ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। एक रिक्शा पर बैठा एक सवारी ने इन पंक्तियों को उस समय गुनगुना दिया जब उन्होंने ई रिक्शा का हैंडल एक महिला को संभालते देखा। ई रिक्शा चालक महिला को देख लगभग सभी यात्री एक पल के लिए उनकी हिम्मत को सराहने लगते हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत बाद थाना अंतर्गत नया गांव पंचायत स्थित उत्तर टोला ऊंचा गांव निवासी मजदूर अमरजीत शर्मा की 30 वर्षीय पत्नी पिंकी देवी घर से ई रिक्शा लेकर रोजाना निकलती है और पूरे दिन मेहनत और ईमानदारी के दम पर धन अर्जित करती है। आत्मनिर्भर पिंकी महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत है। पिंकी ने बातचीत के क्रम में अपनी स्थिति साझा करते हुए बताया कि वह मुंगेर जिला के असरगंज थाना अंतर्गत ममई गांव की रहने वाली है। चार भाई बहन में सबसे बड़ी है। वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी लेकिन उसके पिता सुरेंद्र शर्मा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण आठवीं तक ही पढ़ाई कर सकी। वर्ष 2010 में उसकी शादी ऊंचा गांव के सुबोध शर्मा के पुत्र अमरजीत से हो गई। यहां उनके पति के पास रहने के लिए अपनी ज़मीन भी नहीं है। उनके गोतिया ने रहने के लिए मौखिक रूप से कुछ ज़मीन दी है जिसमें सास ससुर सहित पति बच्चों के साथ रहती है। पिंकी के चार बच्चे हैं। इनमें दो पुत्री 10 वर्ष की और 7 वर्ष की रिया व दो पुत्र 5 वर्ष का शिवम और 3 वर्ष का सत्यम है। चार बच्चों की मां पिंकी ने बच्चों को बेहतर शिक्षा और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का संकल्प लिया है। कितने दिनों से ये टोटो चला रही हैं? 3 महीना से। 3 महीना क्यों चला रही हैं? क्यों वही सब्जी देने के जाने में दिक्कत हो रहा, दूसरे को लिहोरा करना पड़ता था जी। तो हम सोचे अपने से चला के क्यों ना जाएंगे, दूसरे को लिहोरा करेंगे। तो आप क्यों चला रहे? आपके पति क्यों नहीं चला रहे? मेरा पति यहाँ पे छोड़ के चला गया, यहाँ पे नहीं काम चल रहा था, नहीं चला गाड़ी उतना, तो इसीलिए छोड़ के चला। तो क्यों, क्या क्या लगता है आपके घर में कर्ज है या क्या है? हाँ पूरा कर्ज है, नहीं यहाँ उठता हो रहा है, उसीलिए गया। उसीलिए क्या आप काम कर रहे हैं? हाँ। तो क्या आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है। कितने बच्चे हैं? 4। चार बच्चे का परवरिश कौन करते हैं? हम कर रहे हैं। किससे? टोटो चला के। टोटो में कितना आमद हो जाता है? कितना? 200, 300, 400 यही होता है। तो इसमें आपके सारे बच्चे का भरण पोषण हो पाता है? काम हो रहा है, हम सोच रहे हैं और आगे होगा तो और बढ़िया से चलेगा। आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? एगो को बच्चा को लड़की को नर्स बनाना चाहते हैं और टीचर बनाना चाहते हैं। तो अगर सरकार के द्वारा सहायता मिला तो हम बनाएंगे और कोशिश अपना दम पे लगाएंगे जी। जी तो आप महिला है, सुनसान रास्ते पे चलते हैं आप, तो क्या लगता है? हमको डर नहीं लगता है, हम किसी से बोल रहे हैं कि काम नहीं है, हम किसी अपना हिम्मत लगा के काम करेंगे। मान लिया कोई शराबी भी मिलते होंगे आपको? हाँ मिलता है। तो उसको किस तरह आप लोग पहुँचाते हैं? हम उस नज़र में देखते हैं, उठा के देखते हैं तो गाड़ी हाँक लेते हैं, चल लेते हैं। माँ की तरह उसे पहुँचाते हैं? हिफाजत से पहुंचाते हैं? हिफाजत से पहुंचाना, जैसा देखते हैं उस तरह करते हैं। सुरक्षा को लेकर जो तमाम जो रास्ते हैं, सुरक्षा को लेकर क्या सुरक्षा मिल पाती है आपको? नहीं, जैसे चलता है देखते हैं आदमी को नहीं अच्छा तो उसको नहीं बैठाना के लिए चाहते हैं। नहीं बैठाते हैं, सुरक्षा भी नहीं मिल पा रहा है सड़क पे। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी देवी। कहाँ घर हुआ? ऊंचा गांव। आपके बच्चे कौन कौन से क्लास में पढ़ते हैं? एक चौथा में है जी जी, एक तीसरा में, एक पहला में, आंगनबाड़ी में। क्या क्या नाम है? वर्षा कुमारी, रिया कुमारी, सत्यम कुमार, शिवम कुमार। बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। नहीं पढ़ा पाते? नहीं पढ़ा पा रहे, आर्थिक तंगी के कारण। हाँ। तो आपने जो ये टोटो अपने पैसे से खरीदा या? नहीं किस्त पे लिए थे। किस्त पे लिए? किस्त पूरा हुआ या नहीं? नहीं हुआ अभी, बचा कुछ है। किस्त अभी नहीं दे पाए हैं? नहीं दे पाए। तो सरकार के द्वारा सहायता मिला तो पूरा करेंगे। क्या नाम बताया? पिंकी देवी। बताएं कि इस तरह से जो ये प्रेरणा ये अपने बल पे ये चल रही है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे समाज में लोगों को, क्या संदेश देंगे कि अच्छे काम कर रहे हैं? समाज में यही सोच रहे हैं हम लोग कि गरीब है इसलिए से कि गाड़ी चलाएगा तो बच्चा बकरू को पेड़ पालन करेगा, इसी बात। तो सरकार के द्वारा सहायता मिलनी चाहिए इन लोगों को? हाँ मिलना चाहिए गरीब परिवार को। हाँ गरीब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुकमा देवी है। कहाँ की है? ऊंचा गांव का। क्यों चला रहा है? 2-3 साल से रिक्शा चला रहा है जी जी। इसके पास 4 गो बच्चा बुतर है, इसका ससुर को इसको हेल्प नहीं किया, अपने बल पे ही जो है ना कमाना खाना चाहती है
सब्जी बेचती है और वो हटिया पीछे सब्जी जो नहीं बिकता है गांव गांव घूर करके सब्जी बेचते आई है। सवारी भी ढोती है और बहुत महिला जो है ना शांत स्वभाव का है, किसी पर आत्मनिर्भर बनना चाहता है, किसी तरह सोच रही है कि बच्चा बुतरू को हम पढ़ावे लिखावे कुछ कर पाए। कितना दिन से ये काम चल रहा है गांव में? ये लगभग 4 साल से कर रही है। 4 साल से कोई इसको सरकारी सहायता कोई नहीं तो मुखिया भी नहीं दिया है, तो इंदिरा आवास भी आया था तो उस समय इसको 40,000 मांग रहा था, इन्हें लिया। और दूसरा लिस्ट में जो आईबो किया है तो अभी इस वे नहीं हो रहा है इसका पैसा। तो ऐसे परिवार को लाभ मिलना चाहिए। हाँ ऐसे परिवार को तो मिलना, इसको तो इंदिरा आवास होना चाहिए वहाँ जरूर। हम तो मुखिया को बोले हैं कि आईबीए ने किया है, सरकारी लाभ मिलना चाहिए। हाँ इसका लिस्ट में नाम है। अच्छा डॉक्टरों डॉक्टर को बनाना चाहते हैं बच्चे को इसका, या डॉक्टर या कोई तरह से गरीब आदमी सोच रहा है किसी तरह पढ़ लिख लेगा कुछ बन जाएगा। बोलिए बोलिए। हाँ बन जाएगा कुछ आगे भविष्य। आइयो इसको घर रहने लायक नहीं था तो 3 लाख में सब सुधिए पर एक कट्ठा जमीन दिया, उसी में कर्जा के हालत में तंग है। इसका पति जो है चल गया है दिल्ली कमाने के लिए कि दोनों मिल के कर्जा 1-2 साल में चुका देंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है। कौन सा गाँव है? ऊंचा गाँव उत्तर है। वार्ड 9 है। ग्रामीण। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें Say24 Live को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।